नागपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभागृह में गाता रहे मेरा दिल। इस बैनर के तले शहर के डॉक्टर्स ने एक से बढ़कर एक गीत पेश किए। इस मौके पर डॉक्टर बी के शर्मा इन्होंने गाए गीतों की उपस्थितों ने काफी सराहना की है। आइए डालते हैं एक नजर। नागपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभागृह में शहर के डॉक्टर्स द्वारा एक से बढ़कर एक नए पुराने गीतों के नगमे पेश किए गए। इस मौके पर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब, आशा, लता मंगेशकर, मुकेश और किशोर कुमार के गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर आयोजकों ने INBCN समक्ष जानकारी दी। गाता रहे मेरा दिल, ये कार्यक्रम आज आया में होने जा रहा है और इस समय में INBCN की टीम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उस सभागृह में आई है। हम सुन सकते हैं कि वहाँ पे बेहतरीन से कलाकार अपनी कला को पेश करने जा रहे हैं। आप थोड़ा पैन करके बताइए, ये वही महानुभाव है जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। ये तमाम डॉक्टर की टीम है, आइए उनसे के पर चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार SD बर्मन साहब के बारे में क्या बताने चाहूँगी जिस प्रकार से यह कार्यक्रम लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामकृष्ण छंगानी। SD बर्मन साहब वो म्यूजिक कंपोजर थे जिन्होंने बॉलीवुड को एक नया आयाम दिया है। बॉलीवुड में ग्रामीण संगीत और लोक संगीत को बंगाली में ढालकर रिदमिक तरीके से प्रस्तुत करने की कला अगर किसी में थी तो वो SD बर्मन साहब में थी। तो अगर आप उनके किसी भी गाने को सुनेंगे तो रिदम क्या होता है ये SD बर्मन साहब ने इस बॉलीवुड म्यूजिक को समझाया। SD बर्मन साहब की जब बात हुई कि सर आप क्या कहना चाहोगे? बचपन से उनके गाने सुनते आ रहे हैं, आज भी SD बर्मन साहब का गाना ऐसा लगता है कि आज फिर से वो गाना नयापन है जो आज के संगीतकारों में नहीं मिलता है। हम तो उसके संयोजक है डॉक्टर बीके शर्मा सर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस पर छाया प्रकाश डालें। मैं डॉक्टर साहब बीके शर्मा साहब से भी आप ये पूछें, सर आप जाते हो तो बताइए क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे जितने साथी लोग हैं आज सब आए हुए हैं और ये संगीत का मजा ले रहे हैं। मदन कापरे साहब भी इस समय डॉक्टर साहब है, इनसे भी जानना चाहेंगे, सर बताइए। मैं जब भी इनके कार्यक्रम में आता हूँ तो हवा मेरी एक ही रहती है, फिर एक बार एक शाम बीके शर्मा के नाम। आज की शाम भी ऐसी ढल रही है जैसे कि सुर मधुरी के संगीत में हम आहोश डूबे जा रहे हैं। बिल्कुल, संगीत चीज़ें वैसे जब भी पुराने संगीत का जिक्र होता है तो हमें बेहद खुशी होती है क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं और न्यू इज बोल्ड कहते हैं, मगर नए गाने भी है लेकिन पुराने गानों की बात कुछ अलग है। सर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीके से आज IIMA की तरफ से जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है और जितने भी डॉक्टर्स नागपुर के सभी यहाँ उपस्थित रहे हैं, और RD बर्मन जी की तो बात ही कुछ अलग है क्योंकि उनके हर गानों के अंदर में कुछ नया सीखने को मिलता है और समझने के लिए मिलता है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से यहाँ पेश किया गया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बिल्कुल, प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं डॉक्टर को झुंझुनवाला, मैं अध्यक्ष IIMA नागपुर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ आके ये प्रोग्राम का कवरेज दिया, और उसके साथ साथ आप सभी लोगों को शुभेच्छा। आपका जो नया पेपर आ रहा है जो नागपुर मेट्रो समाचार, आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। ये जो प्रोग्राम है अगर आप देखेंगे तो आँख बंद करके सुनिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो गा रहे हैं डॉक्टर्स भी हैं। एक जनरल धारणा है कि डॉक्टर सिर्फ काम करते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल रहती है, बट स्ट्रेस कम करने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है, और ये सालों से डॉक्टर बीके शर्मा साहब ने चला रखा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे मेंबर्स का जो डॉक्टर बीके शर्मा सर है जिन्होंने ये IIMA का म्यूजिकल क्लब इतने सालों से बहुत बेहतरीन ढंग से चला रखा है। धन्यवाद। बिल्कुल, जहाँ डॉक्टर की बात जब आती है तो अक्सर मरीज
और दवाई बस इतना ही आता है, मगर डॉक्टर अपने आप में भी एक कलाकार होता है। कलाकार हर किसी में छुपा होता है, बशर्ते अपनी कला को पेश करने का एक मौका मिलना चाहिए। यह मौका बार बार डॉक्टर बी के शर्मा साहब अपने तमाम कलीग्स के साथ दिया करते हैं, तब कहीं नागपुर शहर में एक से बढ़कर एक ऐसे फनकार है जो अपनी कला को पेश करते हैं। हम इनके लिए यही कहना चाहेंगे कि संगीत है स्वर राग की, हर राग में बसे राम, रागी को मिले रागिनी और रोगी को मिले आराम। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।